गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म है ये, एक कम्युनिटी को टारगेट करना एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। पब्लिक को इतना तो बताओ कर्नाटक के अंदर एंटी फोर्सफुल कन्वर्जन का कितना FIR लॉज हुआ है। टोटली इस गवर्नमेंट फेल्यूर हो गया। शर्म आना चाहिए इस गवर्नमेंट को, इतना बड़ा एक बिल आप ला रहे, आप डिबेट पब्लिक डिबेट के लिए तैयार नहीं है। जो आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये तय किया, इसको हम कर्नाटका हाईकोर्ट में इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। कन्वर्जन जो बिल है ये चंद कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने का एक बिल है ये। बराबर ही देंगे, सबका साथ ये कहेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेंगे, मगर एकदम कम्युनल काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ही खुद स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म है। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कुबा सॉइल कंडीशनर्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जानिब से आज जो गुलबर्गा में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दो तीन एजेंडा है, एक क्या है, कर्नाटका स्टेट का जो हुकूमत जो एंटी कन्वर्जन बिल एक ऑर्डिनेंस के जरिए इधर लागू किया है, हालांकि लास्ट असेंबली सेशन में इसको अप्रूव करने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको नहीं रखे थे क्योंकि उसमें मेजॉरिटी नहीं है बोलकर। परसों जो कैबिनेट मीटिंग में इसको ऑर्डिनेंस का जरिए लागू किया है, तो इसको हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंडेम करते हैं और हम अपील करते हैं हॉनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटका को इसको, इस ऑर्डिनेंस को सिग्नेचर नहीं करना है और इसको मंजूर नहीं करना है, क्योंकि ये जो बिल है आप पढ़ेंगे, एंटी कन्वर्जन जो बिल है ये चंद कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने का एक बिल है ये, पर्टिकुलरली मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी को और दलित कम्युनिटी को। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि इंडिया में रहने वाले कोई भी लोग कोई भी उसका पसंद का मजहब को अपना सकते हैं, एक मजहब से दूसरा मजहब उसको पसंद आया तो वो जा सकते हैं, उसका प्रोफेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई एक इंडिया में कोई भी मजहब में मैं नहीं रहता, ला मजहब ऐसा कोई भी मजहब में नहीं रहता, कोई भी धर्म में नहीं रहता, वो आज़ादी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है। एक किस लिए इस टाइम में इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है, ये मुद्दा लाया गया, तो वो जो बिल में जो है बहुत डेंजरस कुछ आइटम्स ये है इसमें। देखिए कोई भी, ये लोग क्या बोलते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन का खिलाफ है। देखिए फोर्सफुल कन्वर्जन का खिलाफ अभी भी अगर कोई भी किया था, अभी भी बहुत सारा लॉस आज ऑलरेडी मौजूद है, 295 है अलग अलग, अगर किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन करते तो वो कभी भी अभी जो भी ऑलरेडी IPC में है उसको मतलब कंप्लेंट कर सकता है। ये जो नया बिल में ये लोग लाए हैं, कोई भी अगर कन्वर्जन किया कोई भी आदमी कंप्लेंट कर सकते हैं, उसका फैमिली कंप्लेंट कर सकता है, उसका कोलीग कर सकता, कोई भी लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। ये जो है बहुत गलत है, ये जो संघ परिवार के लोग इसका जो मिसयूज करेंगे और बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा इसमें। और दूसरा ये जो कोई किसी को एक इल्जाम लगाते हैं फोर्सफुल कन्वर्जन का, वो अपने आप को खुद इसको यानी कि नहीं किया बल्कि प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में, ये बहुत बड़ा जुल्म है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये जो एंटी जो फ्रीडम है, जो इंसान का एक फ्रीडम होता है उसका एंटी, फ्रीडम का एंटी है, तो इसको हम कंडेम करते हैं। और हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये तय किया, इसको हम कर्नाटका हाईकोर्ट में इसको हम लोग चैलेंज करेंगे, इसको हम लोग चैलेंज करने का ये डिसीजन भी लिया है।
और ये मुद्दा, ये एंटी कन्वर्जन बिल क्यों स्टेट गवर्नमेंट अभी लाया है? देखिए, ये बीजेपी हुकूमत इस कर्नाटक में आने के बाद कोई डेवलपमेंट का मुद्दे पर एजेंडा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। जो कोविड का बाद हैंग का इकोनॉमी जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है, वो नीचे जाकर जॉब जा चुका है, इसको रिकवर करने का कुछ मेजर्स, कुछ पॉजिटिव मेजर्स नहीं लिया गया है। टोटली इस गवर्नमेंट फेल्यूर हो गया। इस फेल्यूर को छुपाने के लिए ये ऐसा एक कम्युनल एजेंडा ये लोग लेकर आए, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं पूछा कि, क्योंकि इधर आउट ऑफ 224 एमएलए कोई भी नहीं पूछा एक एंटी कन्वर्जन बिल लाओ। यानी हमें पूछना चाहते हैं हुकूमत से, ये कितना ऐसा फोर्सफुल कन्वर्जन का पूरा कर्नाटक में कितना कंप्लेंट दर्ज हुआ है अब तक, वो तो डिबेट होना चाहिए। शर्म आना चाहिए इस गवर्नमेंट को, इतना बड़ा एक बिल आप ला रहे, आप डिबेट, पब्लिक डिबेट के लिए तैयार नहीं है। जो अपर हाउस है, जो इंटेलेक्चुअल हाउस जो बोलते हैं, उसमें रख के वो डिबेट करने के लिए आप लोग तैयार नहीं है, पब्लिक में एक डिबेट रखने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक को यहता तो बताओ, कर्नाटक के अंदर एंटी फोर्सफुल कन्वर्जन का कितना FIR लॉज हुआ है, कितने लोगों को अब तक उसका ऊपर यानी कन्विक्ट हुआ है, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। जो गवर्नमेंट का फेल्यूर को छुपाने के लिए ये एंटी कन्वर्जन बिल ला लेकर है, इसको हम लोग इतिजाज भी करेंगे, कोर्ट में भी हम लोग इसको चैलेंज करेंगे। टोट हम आपका माध्यम के रूप से ऑलरेडी हम लोग एक महीने से एक तैयार चल रहे हैं, इमीडिएटली कर्नाटक में प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए, क्योंकि टोटली कर्नाटका हुकूमत बसवराज बोम्मई का लीडरशिप में जो मुख्यमंत्री का होने के बाद टोटली फेल्यूर है। फेल्यूर कहाँ कहाँ है? एक तो करप्शन, हर दिन एक करप्शन, और हर दिन बच्चों का जो आंगनवाड़ी बच्चों का एक का स्कैम हुआ, बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म तक नहीं छोड़े उसमें एक स्कैम हुआ, बिटकॉइन का बहुत बड़ा करोड़ों का एक ये हुआ, वो भी अभी ऐसा ही छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और प्रोफेसर्स, स्कूल असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो एम्प्लॉयमेंट में यानी रिक्रूटमेंट में, उसमें बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ। हाल ही में जो चल रहा है PSI का 300 करोड़ का घोटाला है, 300 करोड़ का एक घोटाला है ये जो PSI का जो स्कैम चल लेकर है ऐसा। और 40% कमीशन का कर्नाटक का हिस्ट्री में, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका खुद नरेंद्र मोदी को लिखे हैं कि कर्नाटका का हुकूमत का जो मिनिस्टर्स MLAs रिप्रेजेंटेटिव 40% कमीशन पूछ रहे हैं। तो इतना बड़ा बदनाम ये लोग कर्नाटक को किए हैं, इन लोग इमीडिएटली इधर प्रेसिडेंट रोल होना चाहिए। जो PSI का स्कैम में अब तक क्यों होम मिनिस्टर रिजिग्नेशन नहीं किया, एक मिनट भी बैठने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि ये जो PSI का जो स्कैम हुआ, ये रिक्रूटमेंट सेल जो है पुलिस का रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में हुआ है, जो OMR शीट का हो या दूसरे जो भी हो, वो जो है पूरे ऑफिसर्स, अगर एक हुकूमत का रिक्रूटमेंट का जो डिपार्टमेंट का लोग ही स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या भरोसा रहेगा आवाम को ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस के। 300 करोड़ रुपीस का जो घोटाला हुआ है, तो इसलिए हम, और दूसरा, हर दिन एक एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियंस लेकर आ रहे, यानी कि टोटली लॉ एंड ऑर्डर इधर फेल्यूर है। हर दिन जो भी गुंडे लोग अलग अलग इश्यूज को लेकर तंग कर लेकर है, इसमें यह महसूस होता है कि इधर रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, ऐसा एक महसूस होता है। हर एक दिन एक एक इश्यू, मुस्लिम बिजनेस को बायकॉट करने का इशू, हलाल का इशू, हर दिन एक इशू लेकर जो माहौल है वो माहौल बिगड़ने का कोशिश करें, मगर गवर्नमेंट खामोश है, इसको रोकने का कोशिश कर लेकर नहीं है। यानी कि ओवरऑल हम कर्नाटका को देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, करप्शन हो, टोटली फेल्यूर है। तो इसलिए हम इस स्टेट को प्रेसिडेंट रूल को लाने के लिए ऑलरेडी हम लोग पिटीशन फाइल किया है, जो सामूहिक मेल हम लोग भेजे हैं, पोस्ट कार्ड भेजे हैं, परसों 16 तारीख को हम लोग गवर्नर को भी अपॉइंटमेंट मिला है, गवर्नर को भी मिलने वाले हैं।
तो एक तो इस एंटी कन्वर्शन बिल को लागू नहीं करना है, दूसरा ये होम मिनिस्टर ये जो इतना बड़ा स्कैम हुआ इसमें करना है और यानी रिजिग्नेशन करना है, तीसरा इधर प्रेसिडेंट रूल रहना है। ये तीन एजेंडा रखते हुए आज का इस प्रेस आपका माध्यम के हम लोग इस मांग को यानी कर्नाटका का चेक और आवाम के सामने और जो हुकूमत का सामने हम रख रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ। देखिए आज़ादी का 75 ईयर्स हो गया, 75 ईयर्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये बता रहे हैं, तो प्रॉब्लम किसको हुआ? प्रॉब्लम ये देखिए अजान जो है 2 मिनट का अजान है, अभी दूसरा जितने भी जो प्रोग्राम जो चलने कर रहे हैं टेम्पल्स में, अभी पूरे यक्षगान जो है तो आपको मालूम है जो कोस्टल बेल्ट में जो यक्षगान चलते पूरा रात चलते, वो यक्षगान के जरिए से हजारों लोगों का घर चलता है, वो एक कला है, तो वो पूरा रात को चलता है, उसको रोका गया अभी। हालांकि सिर्फ अजान नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो है साउंड पोल्यूशन का है, अजान का नहीं है। तो यक्षगान का प्रॉब्लम हुआ, टेम्पल्स में 4 बजे शुरू होता है, उसका कोई भी एक मुस्लिम उसको अब तक ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसको रोका जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मैसूर सिटी में परसों हुआ और आउट 620 नोटिसेस इश्यू हुआ, 620 इश्यूज में इश्यू जो नोटिस हुआ ओनली 120 मस्जिद है, 500 टेम्पल्स अदर इंस्टीट्यूशन है। यानी कि 2 मिनट का अजान का जो हंगामा को जो बहारा लेकर जो हंगामा किए, इसलिए सभी कम्युनिटी का जो भी वो रिलीजियस हो कल्चर रोल हो वो चलने करता, उसको जो मुश्किल आ गया। ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि बहुत कंपल यानी बहुत ही एसेंशियल है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉल फॉर प्रेयर करते हैं, जितने भी दूसरे हैं बहुत लंबा तक, अभी फॉर एग्जांपल गणपति का उत्सव हो या दूसरे उत्सव हो, 2-3 घंटा 3-3 घंटा 4-4 घंटा रात भर जो चलता है और शबरीमला का टाइम में जो चलता है बहुत चलता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि SDP या मुस्लिम कम्युनिटी कोई भी इसको रोकने के लिए कभी भी नहीं किया, हम भी अभी भी नहीं करेंगे, मगर प्रॉब्लम किसको हुआ? तो ये मैं आपका माध्यम से जितने भी हिंदू कम्युनिटी का लीडर्स हैं, जो असल हिंदू है, जो सबके साथ अच्छे तरीके से, ये लोग इनको रोकना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का वजह से जो मुतालिक जैसा एक क्रिमिनल है और वो काली सामी का जैसे एक क्रिमिनल है, 2-4 जो ऐसा क्रिमिनल का वजह से ये सारे परेशानी सब कम्युनिटी को हो गया, यक्षगान को हो गया, टेम्पल्स को हो गया, चर्च को हो गया। तो ये लोग है ये माहौल को बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ये जानना चाहिए हिंदू कम्युनिटी। देखिए ये जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का खिलाफ है। देखो ये लोग शपथ लेके आते हैं, जब चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, आप हमें किसी का खिलाफ ये नहीं करेंगे, सबको बराबर ही देंगे, सबका साथ ये कहेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेंगे, मगर एकदम कम्युनल काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ही खुद स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म है ये। एक कम्युनिटी को टारगेट करना एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है जी। ये इसका रिजल्ट जो ये जो चले करे एंटी मुस्लिम इश्यूज जो भी चले करे, दूसरा इश्यूज चले करे, देखिए ये श्रीलंका से लेसन लेना है। श्रीलंका में यही था, जो माइनॉरिटीज उसको उधर का जो माइनॉरिटीज है मुस्लिम कम्युनिटी, उधर का माइनॉरिटी सिम्हलीज, उसका माइनॉरिटी क्रिश्चियंस, ये जो भी माइनॉरिटीज का ऊपर जो भी चलने करे, जो असल मुद्दा चला गया उसका बहुत बड़ा बर्बादी है। पूरे लोग अब गवर्नमेंट का खिलाफ हो गए, ऐसा एक माहौल आने वाला है, क्योंकि अभी ऑलरेडी रिपोर्ट आया, जितने भी जो कैपिटलिस्ट है जो इन्वेस्टर्स है इंडिया से वापस ले रहे हैं, इंडिया का जितने भी इन्वेस्टर्स है रिपोर्ट आया आप देखे होंगे, इन्वेस्टमेंट को पीछे ले रहे, तो नुकसान किसका होगा? सबका होगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जो बिलियन जो इन्वेस्ट करता है वो उसका जो अमाउंट है उसको प्रॉफिट लेना चाहता है, ऐसा एक माहौल में उसका बिजनेस बिगाड़ना, उसका जो कैपिटल बिगाड़ना नहीं चाहता, वो सेफ जगह में जाता है, क्योंकि कल क्या होने वाला है मालूम नहीं। तो इसलिए ये सब ये जो अंधभक्त है ना, इनको मालूम नहीं होता है ये जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होगा, इंडिया के ऊपर असर होगा, ये अंधभक्त को मालूम नहीं होता है। समझदार जो लोग है हिंदू कम्युनिटी का, इन लोगों को अगर नहीं रोकेंगे इस देश भी बर्बादी के ऊपर चला जाएगा।
क्योंकि ये ना पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, इकोनॉमी के बारे में इसको मालूम नहीं है, क्या हो रहा है अलग अलग देशों में मालूम नहीं है, अंधभक्ति प्रकट करते हैं, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस इस देश के ऊपर क्या होगा इनको पता नहीं है, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होने वाला है। अमेरिका का एग्जाम्पल से हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस है और अवाम है हम लोग लेसन लेना है। देखिए एक देश में इस देश का हुकूमत अपने ही लोगों का अपने ही सिटीजन का ऊपर आप वार करेंगे तो कहां जाएगा? जो हुकूमत है उस देश का हर आदमी के साथ रहना चाहिए, हर आदमी को एक तहफुज देना चाहिए, वो लोग ही उस देश का ही लोगों का खिलाफ वार डिक्लेयर करेंगे तो माहौल क्या होगा? ये लेसन हर एक अवाम और लोग इसमें लेसन लेना है, हुकूमत इसमें लेसन लेना है, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं जो असल मुद्दा है इकोनॉमी जो डाउनफॉल चल रहा है, जो डॉलर का जो हालात आप जो चले कर रहे हैं, जॉब नहीं है, ये जो मुद्दा अगर ऐसा ही इस मुद्दे असल मुद्दे को डाइवर्ट करते ऐसा जो कम्युनल इश्यूज पे जो कम्युनिटी का मुस्लिम कम्युनिटी का खिलाफ यानी कोई भी कम्युनिटी का खिलाफ ऐसा मुद्दे पर जाएंगे तो बहुत बड़ा एक बर्बादी आने वाला है। और जो अवामी इनका खिलाफ लेंगे वो तो उस टाइम में हिंदू अभी जो श्रीलंका में हुआ मुस्लिम लोग गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं है, जो उनका ही सपोर्टर्स जो है वो लोग पीछे उनका यानी उसका ऑपोजिशन में जो हंगामा चला रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहता हूँ ऐसा ना हो हमारा इंडिया, हम चाहते हैं और दुआ भी करते हैं, मगर इसमें हम लोग को एक हर इंडियन को इसमें एक लेसन है, इसको हम लोग बहुत सीरियसली लेना चाहिए।